हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो आइए पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या एक ये एम्पायर को जो एक्सपेंड किया था साउथ इंडिया में, तो पूरा जब एम्पायर इसका एक्सपेंड हुआ था साउथ इंडिया में, तो उसके बाद इसने अलेक्जेंडर टू का टाइटल लिया था, सिकंदर सानी का टाइटल, अलेक्जेंडर द ग्रेट का टाइटल जो लिया था साउथ इंडिया में एम्पायर को एक्सपेंड करने के बाद लिया था। और देखिए ये जो था हाँ, तो ये देखिए ये जो था अलाउद्दीन खिलजी नॉट वांट टू एनेक्स, ये जोड़ना नहीं चाहता था डेक्कन स्टेट को, ठीक है, डेक्कन स्टेट को मिलाना अपने में नहीं चाहता था। वो फाइनेंशियल वेंचर्स की वजह से ऐसा कर रहा था। ये केस लाल जो है उनका कहना है कि ये डेक्कन को मिलाना नहीं चाहता था, ऐसा उन्होंने लिखा है, ठीक है, और ये सवाल पूछा हुआ भी है। तो एक्चुअली ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो डेक्कन स्टेट को मिलाना नहीं चाहता था, वो फाइनेंशियल वेंचर्स के लिए ऐसा कर रहा था, ठीक। अब देखिए ये, और अलाउद्दीन खिलजी जो था जब मुगलाइट्स के मुगल जब अटैक कर रहा था, तो मुगल को मुगल से प्रोटेक्शन के लिए इसने भी क्या किया था, ब्लड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को अपनाया था, उससे लड़ने के लिए इसने भी अपनाया था आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को अलाउद्दीन खिलजी मुगलाइट्स के अगेंस्ट में, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किया था, क्या इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन खिलजी, तो मार्केट रिफॉर्म्स कौन इंट्रोड्यूस किया है दिल्ली सल्तनत में, मार्केट रिफॉर्म कौन इंट्रोड्यूस किया है, कौन लाया है, तो अलाउद्दीन खिलजी लाया, डायरेक्ट पूछेगा। तो मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया इसने, क्या प्राइस कंट्रोल सिस्टम, इससे क्या हुआ, इससे मार्केट रिफॉर्म जो लाया उससे प्राइस कंट्रोल सिस्टम, तो डायरेक्ट आ सकता है प्राइस कंट्रोल सिस्टम कौन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस किया है, यही लाया है। मार्केट कंट्रोल प्राइस बोल सकता है, इसी को डिफरेंट फॉर्म में लिखने का तरीका है, कुछ भी आ सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। ये और ये जो लाया था मार्केट रिफॉर्म, ये जो था वो हाईली सक्सेसफुल था, हाईली सक्सेसफुल रहा था इसका, ठीक है, तो ये हाईली सक्सेसफुल रहा था। फिर ये सेटअप किया था चार मार्केट, ये मार्केट जो चार लाया था इसका बेसिक यही वजह था लाने का, कि ये टू फिक्स कॉस्ट को ये फिक्स करना चाहता था। ये नहीं चाहता था कि कोई इस जो फिक्स जो कॉस्ट वो रख दिया उसी कॉस्ट पे बिकना चाहिए, कोई ज्यादा कोई कम इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो मेजरमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सख्त है दे दिया गया था, आपका इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था लोगों को, और जिस तरह से चीजों को जिस तरह से ऑफिसर को हायर किया गया था उन लोगों को सख्त ऐसा जो था आदेश था, ठीक है। अब ये देखिए चार मार्केट जो लाया था उसमें से फूड मार्केट्स था, ठीक, जिसमें फूड ग्रेन्स वगैरह मिलते थे। दूसरा मार्केट जो था इसका स्लेव एंड एनिमल, जिसमें हॉर्स कैटल वगैरह ये सारे स्लेव मिलते थे, ये सब वहां पे परचेज होता था। और क्लॉथ मार्केट था इसके लिए, थर्ड मार्केट इसका था जो क्लॉथ मार्केट था, और चौथा में मिसलेनियस था जिसमें आपको हर चीज और भी मिलते थे। इसमें क्या हुआ था कि ये सब चीज को कंट्रोल करने के लिए जो ये मार्केट्स वगैरह है, तो उसमें एक सहाना जो है ये क्या है, ये ऑफिसर रैंक है, एक पद है, एक पोस्ट है, जो कि ये क्या करता था, ये मेंटेन करता था रजिस्टर ऑफ मर्चेंट, जितने मर्चेंट है उसके रजिस्टर को मेंटेन करता था, ठीक। और सराय अदल जो था, तो ये गुड्स जो ओपन मार्केट में जो सेल होता था उसी वैसी पोस्ट को, वो जो इस पोस्ट पे था वो चीजों को ये मेंटेन करता था, ये देखता था, ये सारा इसके अंडर में आता था, सराय अदल के अंदर में। और दीवाने रियासत ये सारा अलाउद्दीन खिलजी के, ये सब सारा कहां हुआ, कौन सा दिल्ली सल्तनत के रूलर रूलिंग पीरियड में कौन सा रूलर था उस वक्त, तो ये सारा हुआ है, तो अलाउद्दीन खिलजी, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। दीवाने रियासत कौन लाया, कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी लाया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत कौन कौन से सुल्तान लाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी लाया था। दीवाने रियासत जो क्या था, मार्केट कंट्रोलर डिपार्टमेंट था, ये क्या था, दीवाने रियासत मार्केट कंट्रोलर डिपार्टमेंट, सारा ये जो पूरा मार्केट है तो उसका कंट्रोल का डिपार्टमेंट पूरा था, मार्केट कंट्रोलर डिपार्टमेंट था, या बेसिकली आप कह सकते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट था ये रियासत। कॉमर्स मतलब क्या होता है, बिजनेस में सेलिंग एंड बाइंग जो होता है वही कॉमर्स होता है, तो आप कॉमर्स डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो दीवाने रियासत किसने लाया, और अलाउद्दीन खिलजी ने लाया, ये सारा इसका था, ठीक है। इसका जो टॉम है कुतुब मीनार, ये जब मरा तो कहाँ मरा, तो ये इसका, तो इसका जब मरा तो इसका जो मकबरा था ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है दिल्ली में। अब देखिए मिनाजुल सिराज का बुक था तबकते नासरी, ये किसके कोर्ट में था, नसरुद्दीन महमूद के कोर्ट में था, ठीक। तबकते नासरी से क्या पता चलता है, मोहम्मद गौरी का जो विक्ट्री है वो पता चलता है तबकते नासरी से। और बख्तियार खिलजी जो था जो इन्वेजन किया था बिहार में, ये किस बुक से पता चलता है, ये दोनों चीजें तबकते नासरी से पता चलता है, ठीक। अब आप यहाँ क्या जाइए, यहाँ ये एक आपका मल्लिक काफूर जो था, तो आपका ये शंकर देव से भी ये क्या किया था, फाइट किया था, इसके अगेंस्ट भी लड़ा था, जो ये आपका क्या रामचंद्र देव का बेटा था, इससे भी आप मल्लिकाफुल लड़ा था। इसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी पूरा खत्म होता है, उसके बाद आपका आता है सिहाबुद्दीन उमर, थर्ड रूलर खिलजी डायनेस्टी का, जो कोई काम करता किया नहीं है, तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। चौथा में उसके बाद जो रूलर बनता है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बनता है, या कहीं कहीं आपको मुबारक शाह खिलजी लिख देगा, ठीक है। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बनता है, जिसका रूलिंग पीरियड 1316 AD से 1320 AD रहता है। ये जो पॉलिसी
पॉलिसी अपनाया था, फॉरगिव एंड फॉरगेट का पॉलिसी दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी में कौन अपनाया, तो यही अपनाया था पॉलिसी ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट का। ठीक है, इसने डिक्लेयर किया था अपने आपको खलीफा डिक्लेयर किया था, ठीक है, खलीफा नहीं मानता था अपने आपको खलीफा इसने डिक्लेयर किया था। और ये नंगे आ जाता था, नेकेड आ जाता था और फीमेल का ड्रेस पहन के आ जाता था। ठीक है, तो ये नेकेड और फीमेल का ड्रेस पहन के ये आ जाता था। कौन ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो नेकेड और फीमेल ड्रेस पहन के आता था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, या मुबारक शाह खिलजी बोल सकते हैं। और ये बहुत अय्यासी में रहता था, ठीक है, ये बहुत अय्यासी में रहता था। तो इसने क्या कर रखा था कि जो ये मुबारक हसन को, इसका नाम मुबारक हसन था, इसी को टाइटल, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इसको टाइटल दिया था खुसरो खान का टाइटल दिया था। अभी बाद में ये मुबारक हसन अपना खुद का टाइटल नसरुद्दीन रख दिया था। तो यही जो है इसको क्या दे दिया था, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो था, जो आर्मी का अथॉरिटी होता है, ठीक, वो इसको दे रखा था, गार्ड पैलेस का अथॉरिटी इसको दे रखा था। लेकिन बाद में क्या होता है, ये बहुत अय्यासी में रहता है, तो ये सुन बहुत जल्दी क्या किया कि इसका जो पैलेस है, पैलेस पे ये अपना पूरा दबदबा बना दिया। और उसके बाद ये इसको मार देता है, मुबारक हसन इसको मार देता है। उसके बाद आपका नया, फिर उसके बाद जो रूलर बनता है वो कौन बनता है, खुसरो खान बनता है रूलर। तो खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो है आपका वो खुसरो खान है, लास्ट रूलर, जबकि एक्चुअली इसका नाम मुबारक हसन है, जो कि इसके थ्रू इसका टाइटल खुसरो खान दिया गया है, और खुद अपने ये टाइटल दिया था मुबारक हसन नसरुद्दीन का। तो ये तीनों में से कुछ भी आ सकता है, बेसिकली ये ज्यादा हाईलाइटेड यही नाम है इसका, खुसरो खान। ठीक, तो खुसरो खान, मुबारक हसन या नसरुद्दीन, सब इसी का नाम है। तो खुसरो खान जो था यही लास्ट रूलर था, या हम कह सकते हैं कि मुबारक हसन या नसरुद्दीन ये क्या था, लास्ट रूलर था। किसका? खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? यही लास्ट रूलर था। ये कन्वर्टेड मुस्लिम था, ये मुस्लिम कन्वर्ट, ये मुस्लिम बना था, ये पहले मुस्लिम नहीं था, ये कन्वर्टेड मुस्लिम था। तो इसको जो है गाजी मल्लिक, ये मर्डर कर देता है, इसको मार देता है। और इसको मारने के बाद गाजी मल्लिक क्या करता है, एक नया डायनेस्टी का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं तुगलक डायनेस्टी। और ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से वो फंड करता है, वहां पे रूल करता है। तो ये गाजी मल्लिक जो था गवर्नर था कहां का, दीपालपुर पंजाब में, पंजाब ये पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहां पे, वहां का पंजाब में ये दीपालपुर जो है वहां का गवर्नमेंट वही है, दीपालपुर वहीं का ये क्या था, गवर्नर था गाजी मल्लिक। तो ये देखता है कि कन्वर्टेड मुस्लिम कोई बैठा रहा है दिल्ली सल्तनत पे, तो ये आके अपोज करता है इस चीज को, अगेंस्ट में जाता है। और दिल्ली का जो लोग होते हैं, पीपुल होते हैं, उसका इसका साथ मिलता है। उस तरह से खुसरो खान को मार देता है और ये यहां से खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाता है। तो खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर खुसरो खान था, और गाजी मल्लिक इसको मारता है, ठीक है, मारकर ये खिलजी डायनेस्टी खत्म करता है। और उसके बाद यहां से तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होगा, जहां पे पहला फाउंडर जो होगा, कौन फाउंडर हुआ तुगलक डायनेस्टी का, तो आपका ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से यही गाजी मल्लिक वहां पे रूल करेगा। तो होप आपको सब समझ में आया होगा।